नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ मोनू सागर और आज हम देखेंगे रॉयल इनफील्ड का गेयरबॉक्स कैसे फिट किया जाता है और सबसे सिंपल मेथड देखेंगे जो मैं आज आपको दिखाऊंगा और जो खुद मैंने कंपनी से ट्रेनिंग लेते समय सीखा था, वो सारा जो मेथड है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और देखेंगे कि रॉयल इनफील्ड का गेयरबॉक्स कैसे फिट किया जाता है। और यदि आप मैकेनिक हैं तो ये डेफिनेटली वीडियो आप ही के लिए है, और नहीं है तो फिर भी सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे गेयरबॉक्स देख सकते हैं, इस गेयरबॉक्स को आज हम फिट करेंगे और हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको नज़दीक से लेकर आते हैं क्लोज। दोस्तों, गेयरबॉक्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे हमारे ले शाफ्ट, मेन शाफ्ट, रैचेट, गेयर, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सबके बारे में जानते हैं। तो ये हमारा केस रहता है, इसको बोलते हैं हमारा चैम्बर या मेन इंजन, यही होता है। उसके अंदर यहाँ पे क्रैंक लगी रहती है और ये होती है हमारी मेन शाफ्ट। ठीक है, मेन शाफ्ट के अंदर हमें सबसे पहले ये गियर होता है, ये दोनों साइड से लॉक रहता है। आप दोनों साइड से देख सकते हैं, इसको लॉक रहता है बिल्कुल, और ये गियर कहीं नहीं जाता। तो इसके अंदर सबसे पहला जो गियर पड़ेगा वो रहेगा हमारा ये गियर, इसको थर्ड गियर बोलते हैं। और इसको इस तरह से डालना है, यहाँ पर की साइड में रैचेट फंसता है तो इसको इस तरह डालना है। तो ये पहला हो गया। दूसरा, इसके बाद ऊपर से ये छोटा सा गियर दिखता है, ये सेकंड गियर हो गया। और ये गियर बॉक्स देखिए, इधर को फ्री हो गया, इधर को फ्री, और जैसे इसके कनेक्ट में आया और ये पूरी शाफ्ट को घुमाने लगेगा। तो ये हमारा ये दूसरा हो गया। एक गियर ये रहता है, और इसको कैसे लगाना है, इसका ये हिस्सा अंदर की साइड रखना है। देखिए ध्यान से देखना आप, इसका ये हिस्सा अंदर की साइड रखना है। और ये हमारे चैम्बर के, ये हमारा इंजन है, इंजन में इस तरह जाएगा अंदर की साइड, मतलब जो बाहर की साइड में रहेगा वो हिस्सा ये है और जो अंदर की साइड में रहेगा वो हिस्सा ये है। इसमें यहाँ पे दो डबल बैरिंग लगते हैं और वह बैरिंग हमारे इस शाफ्ट के अंदर चलते हैं, यहाँ पर इस शाफ्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी शाफ्ट, ये हमारी मेन शाफ्ट है जो तैयार हो चुकी है कंप्लीट बिल्कुल। अब ये है हमारी ले शाफ्ट, इसके अंदर जो सबसे, और ये इसका ये हिस्सा अंदर इंजन की साइड में जाएगा, ये हिस्सा बाहर साइड में, और ये हिस्सा काफ़ी बड़ा है हाइट में और ये छोटा है। तो ये सिंपल मेथड दिखा रहा हूँ। तो जो जिस हिस्से में छोटा हिस्सा है उसकी साइड में ये वाला स्लाइड गियर जाएगा। इसके बाद एक गियर ये आता है, ये अंदर की साइड से आएगा और इसके अंदर एक वॉशर लगी रहती है, आप यहाँ देख सकते हैं वॉशर है इसके अंदर। वॉशर एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये रही वो वॉशर, इसको इसके अंदर डालना है और वो यहाँ इसके अंदर चली आएगी। और इसके बाद ये गियर ऊपर से डाल देना है। तो ये आधी तो कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पीछे की साइड में क्या होगा, पीछे की साइड के लिए हमारे पास एक ये गियर है, ये पूरा अलग गियर है, हर एक गियर अलग है गाड़ी के अंदर। ये नहीं कि ये गियर दूसरी जगह पे भी लग जाए, ये गियर सिर्फ और सिर्फ यहीं पे लगेगा और ये यहाँ पे सेट होगा, यहाँ पर हमारा बैरिंग आएगा। अभी यहाँ पर लगेगा हमारा किक गियर, वो हम बाद में लगाएंगे। ये है किक गियर, इसके अंदर भी एक वॉशर रहती है, वो यहाँ पर है, उसको बाद में लगाएंगे। और ये ऐसे रहता है कुछ, तो गियर बॉक्स हमारा इस तरह कंप्लीट रहता है। तो आप अगर मैकेनिक हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, यह आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, तो अब इसको फिट करने के लिए इन दोनों गियर बॉक्स को आपस में जॉइंट कर देना है, इस तरह जॉइंट करना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखाता हूँ जो आप समझ सकें। अब ये हमारा गियर बॉक्स है, एक शाफ्ट मेन शाफ्ट ये है, ले शाफ्ट ये है, इन दोनों को आपस में जॉइंट करना है इस गियर के साथ से। ये सिर्फ तीन गियर ही जॉइंट होंगे, इस गियर को हम बाद में भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर हमें रखना है कंघे, इसको कंघे बोलते हैं, या चेंजर, गियर चेंजर, गियर कंघी कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये गियर चेंजर है, ये किस तरह काम करेगी देखिए, अभी मैंने सबको अलग अलग कर दिया है। इसको मिक्स करने का अगर आपके पास कोई खुला हुआ कैम आता है तो इसको कैसे समझना है कि ये कैसे फिट होता है, इसके लिए देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर
देखिए इसमें यहाँ पे आपको कट नज़र आएगा, दोनों में कट हैं, और इसको आपस में ऐसे जॉइंट कर देना है। ये देखिए मैंने जॉइंट कर दिया है। ओके हो जाओ जूम। यस अभी यहाँ पे जूम हो चुका है। और इसके बाद जो है इसमें आगे का हिस्सा कौन सा रहता है और पीछे का हिस्सा कौन सा रहता है, तो इसमें यहाँ पर की साइड में देखिए कट का निशान है और इधर साइड में कट का निशान नहीं है। तो यहाँ पे कट का निशान है और यहाँ नहीं है, और जिस साइड में नहीं है, और देखिए ये एक यहाँ पर कट का निशान है, इसे रखना है पीछे की साइड में। तो दोनों साइड में बिल्कुल लास्ट में कट के निशान है छोटे छोटे से, उनको बिल्कुल लास्ट में रखना है, और इसके अंदर इस तरीके से रोड डाल के रखना है। तो देखिए यहाँ पे आप समझ गए हैं कि जो कट के निशान रहते हैं इसमें, जो कट के निशान है वो यहाँ लास्ट में है, और एक कट का निशान इधर लास्ट में है। और ये देखिए ये दोनों आपस में जो जॉइंट है आपस में मिल गए, तो यही है। और इसके बाद इसको यहाँ पर ऐसे करके बिठा देना है इस तरीके से, ठीक है। अब ये इसके अंदर बैठ गया है, सिंपल है। अभी क्या करना है, इसको बोलते हैं मतलब जो लैंग्वेज रहती है हिंदी लैंग्वेज हमारी मैकेनिकल लैंग्वेज, उसमें इसको बोलते हैं जलेबी प्लेट, या जलेबी की प्लेट बोल सकते हैं, या गियर बॉक्स प्लेट बोल सकते हैं, या गियर चेंजर प्लेट बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो व्हाटएवर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्लेट को कैसे फिट करना है, देखिए यहाँ पर इसमें एक डॉट का निशान है, इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ डॉट का निशान है, ये हमारी गाड़ी जब न्यूट्रल होती है तो एक पॉइंट होता है जो हमारी गाड़ी के ऊपर न्यूट्रल लाइट का स्विच बोलते हैं, वो इसके ऊपर टच होता है और वहीं से हमारी गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है। तो वो ये पॉइंट है, और इसको सबसे बाहर साइड में रखना है, सबसे बाहर की साइड में। एक बार मैं ट्राई करता हूँ आपको नज़दीक से दिखाने की। तो अभी हमारी ये जो गेयर बॉक्स की सेटिंग रहती है ये कुछ इस तरह रहती है, ठीक है, इसे आप देख सकते हैं। और ये जो हमारे चेंजर रहते हैं ये यहाँ पर इस तरह रहते हैं, इसके ऊपर हमें इस प्लेट को रखना है। इस प्लेट को देखिए यहाँ पे ये तीर का निशान दिखेगा ना, इसको बाहर की साइड रखना है। मैं वह रख के आपको इजी समझाता हूँ कि किस तरीके से गियर बॉक्स को फिट किया जाता है, क्योंकि बहुत मैकेनिक हैं और काफ़ी लोग हैं जो गियर बॉक्स को जानना चाहते थे, तो ये स्पेशल वीडियो उन्हीं के लिए है। और ये इस तरीके से यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ से डायरेक्ट इस तरह बाहर की साइड को आ जाएगी। एक बार मैं कैमरे के एंगल से दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और डायरेक्ट ये हिस्सा पीछे का है, ये चोंच है। अब इसको गियर बॉक्स के अंदर डालना है, अंदर कैसे फिट करना है वो दिखाते हैं। यहाँ लेना है आराम से, इसके अंदर को बिठालना है। मैंने फिर कहा है पहली बार में हो सकता है आपको दिक्कत आए, पर इसको थोड़ा सा आप ट्राई करिए, आपसे आराम से बैठ जाएगा। तो अभी इतना हिस्सा फिट हो चुका है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर एक वाशर है, इस वाशर को हमें इसमें लगाना है यहाँ पे को, और इसके बाद ये पिन को, इस पिन को यहाँ से फंसा देना है। तो इसको थोड़ा सा अंदर को दबाना है, और आप देखेंगे ये बैठ चुका है। और थोड़ा सा इस पर चोट मारेंगे और ये बिल्कुल अपनी जगह परफेक्ट हो जाएगा। इसको हम गियरिंग देखेंगे और गियर बॉक्स को चलाएंगे और पूरा दिखाएंगे कि कैसे काम करता है। और जब आपका गियर बॉक्स आपके हाथ से घूमने लगे तो आप ये समझ जाइए कि गियर बॉक्स फिट हो गया है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट गियर चल रहा है, ठीक है, सेकंड गियर चल रहा है, थर्ड गियर हो गया, फोर्थ, और ये फिफ्थ गियर हो गया है। तो देखा कि कितनी आसानी से आपने गियर बॉक्स देखा, और काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा।
वो नहीं लगा। दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने एक पॉइंट मिस किया था, वो है ये वॉशर। ये वॉशर बहुत ज़रूरी होती है कि यहाँ पे फिट करना। एक बार मैं आपको ज़रा नज़दीक से और ये वॉशर के बारे में बताता हूँ कि इस वॉशर के अंदर क्या है खासियत। ये वॉशर अंडाकार है। अगर इस वॉशर को आप गौर से देखेंगे तो ये आपको अंडाकार दिखेगी। और इसको कहाँ फिट करना है, इस चैम्बर के यहाँ पे फिट करना है। इसमें आप अच्छे से ग्रीस लगाइए और इसके बाद इसको यहाँ पे बिठा दीजिए। ये चैम्बर के दोनों हिस्सों में यहाँ पर लगती है इस तरह। तो यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।